रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो। मैं हूं डॉक्टर आभा एक्का, पोस्ट डॉक्टरल फेलो रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। आज आप लोगों के सामने फंडामेंटल काउंसलिंग स्किल्स, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूं। और ये जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल काउंसलिंग स्किल्स, ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सेमेस्टर वन के सभी विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो लेक्चर है वो डेविन जे क्रैब की है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। और इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बेसिक गाइडेंस और काउंसलिंग के स्किल्स हैं जो एक काउंसलर में होने चाहिए। तो इसी कड़ी की हम लोग शुरुआत करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें आज हम लोग कवर करने वाले। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इसमें देखेंगे लिसनिंग क्या है, अटेंडिंग क्या है, एम्पैथी क्या है और रिस्पेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिसनिंग। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की ओर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग पाते हैं कि लिसनिंग मतलब सुनना। तो जब एक काउंसलर किसी क्लाइंट के सम्मुख होता है या क्लाइंट किसी काउंसलर के सम्मुख होता है, तो जब अपनी बातों को शेयर करता है तो जाहिर सी बात है वो कुछ वर्बल कम्युनिकेशन काउंसलर के साथ करता है। लेकिन लिसनिंग में जैसा ये सुनाई पड़ रहा है हम लोगों को कि इसमें सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग सुनने के साथ साथ काउंसलर को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग वर्बल जितने इन्फॉर्मेशन है उसे तो हम लोग लेंगे ही एक काउंसलर होने के नाते, साथ ही साथ कुछ नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि हमेशा क्लाइंट शो करता है अपनी बातों को कहते वक्त, अपनी समस्याओं को कहते वक्त। क्योंकि जब एक क्लाइंट किसी काउंसलर के पास गया है तो सबसे पहला प्रमुख जो उसके मन में है वो ये बातें होती कि वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक काउंसलर के पास गया है। और काउंसलर जब एक व्यक्ति जिसे समस्या है उसके सम्मुख जब बैठता है और अपने कामों को जब वो करता है, जब उसकी काउंसलिंग करता है, तो उसके सामने ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि वो अपने क्लाइंट को, क्लाइंट यहाँ हम लोग पेशेंट नहीं कह रहे, हम लोग कह रहे क्लाइंट को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसे वो उस समस्या से निकालने की पूरी कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिसनिंग में ऑब्जर्विंग भी आता है, किसी को हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे, काउंसलर किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसमें क्या करना है, उसके वर्बल इन्फॉर्मेशन को तो लेना ही है, जो वो बातें वो जो बता रहा है उसे तो सुनना ही और उसे नोट करना ही है, साथ ही उसके जो पोजीशन है, उसके भाव भंगिमाएँ जो हैं, उसके तरीके जो हैं बोलने के, उसके जो भी शरीर के जो भी वो अपने क्यूज दे रहा है, जो अपने लक्षण दिखा रहा है, वो उन सारी बातों को भी इसमें देखना है और उसे नोट करना है। तो ये होता है लिसनिंग। लिसनिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस में ही हम लोग देखते हैं कि अगर अगर काउंसलर क्लाइंट की बातों को केयरफुली अगर नहीं सुनता है तो क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है वो मिस हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं और जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो अधूरा हो जाता है। तो इस अधूरे इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्या करना होता है कि काउंसलर को बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना और उसके नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना रहता है ताकि कोई बात यहाँ पे मिस ना हो जाए। क्योंकि काउंसलर को क्या करना है, उसकी समस्या से बाहर निकालना है। तो समस्या से क्लाइंट को तभी काउंसलर बाहर निकाल सकता है जब उसकी एक एक सूचनाओं को वो सही रीति से सुने। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, कोई भी एक्सप्रेशन छूटने ना पाए, कोई भी शब्द जो वो बता रहा है, जो उसके इन्फॉर्मेशन में एक बहुत मजबूत कड़ी हो सकती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि अटेंडिंग क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि अटेंडिंग क्या है। अटेंडिंग क्या होता है, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोलें तो ये होता है ओरिएंटिंग वन सेल्फ फिजिकली टू द पेशेंट टू इंडिकेट वन इज अवेयर ऑफ द पेशेंट।
क्या है कि अगर हम लोग अपने आप को ओरिएंट करेंगे फिजिकली, कि हम बहुत काउंसलर या हम जो भी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि उसकी क्या समस्या है, तो हमारे बॉडी पोस्चर से, हमारे एक्सप्रेशन से क्लाइंट को भी पता चलने लगता है कि जो काउंसलर है वो इच्छुक है, वो उसकी समस्या को सुनना चाहता है और उसकी समस्या को वो दूर करना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो फिजिकली क्या करता है, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है और उसमें क्या है, अपने आप को वो पेशेंट के करीब लाता है, इस सेंस में कि वो उसकी समस्याओं को दूर करना चाहता है। आगे इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आई कॉन्टैक्ट, इसमें क्या है, फिजिकली करीब आने का मतलब इसमें ये है कि काउंसलर का जो एक अटेंशन है वो पूरी तरह से अपनी क्लाइंट के साथ बना हुआ है। वहाँ पर आई कांटेक्ट साफ तौर पर दिखलाई पड़ रहा है, वहाँ पर ये दिखलाई पड़ रहा है कि जो काउंसलर है वो एक बार भी इधर उधर नहीं हिल रहा है, उसकी जो मतलब जो वो ध्यान जो लगाए हुए है जो क्लाइंट की बातों की तरफ, वो कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसकी बातें कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए उसे कि कुछ बातें कहीं ऐसा तो नहीं काउंसलर मिस कर रहा है। तो ये होता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और ये काउंसलर की सबसे बड़ी स्किल है कि क्लाइंट को ये भरोसा हो जाए कि काउंसलर जो सामने बैठा हुआ है उसे समस्याओं को सुनने की बहुत ज्यादा इच्छा है, और इसीलिए अपने आप को एक काउंसलर को क्या करना है कि पूरी तरह से ये अपने आप में दिखलाना है कि उसका ध्यान जो है वो उसकी समस्याओं को सुनने में पूरी तरह से केंद्रित है। तो इसमें क्या करना है कि अपने बॉडी पोस्चर को भी पूरी तरह से मेंटेन करके रखना है, अपने लैंग्वेज को भी बिल्कुल सही रखना है, कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि क्लाइंट को लगे कि काउंसलर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग ये पाते हैं कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि पहले तो लिसनिंग, और उसके बाद हम लोगों ने पाया अटेंडिंग, जिसमें कि अटेंशन शब्द बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका जो ध्यान है, काउंसलर का जो ध्यान है वो इन्फॉर्मेशन को लेने में बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं एम्पैथी। अगर इसका शाब्दिक अर्थ को हम लोग देखें, एम्पैथी काउंसलिंग स्किल में परानुभूति, एक होता है शब्द जिसे हम लोग सहानुभूति कहते हैं और दूसरा एक शब्द होता है जिसे हम लोग एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है परानुभूति, और परानुभूति का मतलब होता है कि पराए व्यक्ति, मतलब कोई और व्यक्ति जिस पीड़ा से, जिस दर्द से गुजर रहा है उसे अच्छी तरह से जानना, और उसे जानना ही नहीं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका अनुभव खुद से करना, ये एक एबिलिटी होती है। अगर हम लोग उसको देखेंगे कि इसका क्या डेफिनेशन है, तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि द एबिलिटी टू परसीव अनदर्स एक्सपीरियंस एंड देन टू कम्युनिकेट दैट परसेप्शन बैक टू इंडिविजुअल टू क्लैरिफाई एंड एम्पलीफाई देयर ओन एक्सपीरियंसिंग एंड मीनिंग। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, हम लोगों ने ये देखा कि किसी और के जो अनुभव है, ये तो कई बार जब क्लाइंट सामने आते हैं तो बहुत कड़वे अनुभव के साथ आते हैं, तभी तो वो काउंसलर के पास आते हैं, तो उसके उस कड़वे या दुखद अनुभवों को क्या करना है, हम लोगों को एक बार फील करना है, काउंसलर होने के नाते हमें फील करना है कि क्या उसकी ऐसी दुख है, ऐसी बातें अपने में हमें लेकर के ऐसे देखना है उन सारी बातों को। ये काम कठिन तो है लेकिन यही एक स्किल है जिसे काउंसलर को बहुत बहुत जरूरी है कि वो अंदर अपने अंदर उसे डेवलप कर सके। और क्या होता है जब हम लोग इसके या एक काउंसलर, हम लोग यहाँ कहने का अर्थ यहाँ पे काउंसलर से है, तो जब एक काउंसलर जब उस पराए के दुख को अपने अंदर महसूस करने लग जाता है, उसे समझने लग जाता है, तो अंततः वो क्या बोल पाता है, वो बोल पाता है कि आई नो हाउ यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे इसे मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है, ये एक बहुत ज़रूरी कौशल है, हम लोग अगर देखें तो ये परामर्शदाता का एक बहुत ही ज़रूरी कौशल है जिसे एक परामर्शदाता के पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये धीरे धीरे जब काउंसलिंग में जब काउंसलर आगे बढ़ता है तो एम्पैथी खुद भी वो अनुभव करना शुरू कर देता है।
अब हम लोग इसके अंतिम पॉइंट को देखते हैं और वो है रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट क्या है? ये रिस्पेक्ट को आप फिर से अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो हम लोग पाते हैं इसका अर्थ है आदर। तो यहां पर काउंसलर का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि वो पेशेंट के अंदर या क्लाइंट के अंदर इस बात को बढ़ावा दे, इस बात को बल दे कि क्लाइंट के अंदर वो शक्ति है, वो हिम्मत है कि वो अपने लाइफ को फिर से एक अच्छी रीति से वो जी सकता है। और ये करने के लिए वो पूरी तरह से स्वच्छंद है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। कौन ले सकता है अपने डिसीजंस खुद? एक क्लाइंट जो आज पीड़ा में है और काउंसलर के पास आने के बाद, अपनी काउंसलिंग कराने के बाद, परामर्शों को लेने के बाद, इस बात की यहाँ पर साफ साफ झलक दिखलाई पड़ती है कि एक क्लाइंट जो है वो अब इतना काबिल हो चुका है कि वो अपने निर्णयों को खुद ले सकता है। अब यहाँ काबिल होने से क्या मतलब है? काबिल क्या वो पहले नहीं था या पहले नहीं थी? कौन? क्लाइंट? नहीं, काबिल वो पहले भी थी, लेकिन आज कुछ समस्याओं की वजह से हो सकता है कि उसके मन में ये बातें आई होंगी कि अब उसके जीवन में उसकी कोई महत्व नहीं रह गई है या उसका जीवन उसके लिए महत्व नहीं रखता है। तो यहाँ पर काउंसलर का ये दायित्व है, उसका ये कर्तव्य है कि वो क्लाइंट के अंदर इन बातों को विशेष तौर पर जागृत करे कि वो अपने फैसलों को फिर से ले सकता है और लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति एक नए नजरिए से वो देख सकता है, एक रिस्पेक्ट के नजरिए से वो देख सकता है। और ये हिम्मत, ये शक्ति उसे खुद से, क्लाइंट को खुद से अपने अंदर डेवलप करने, ये चीजें सोचने के लिए कौन उसे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है? ये सोचने के लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई और नहीं है, वो है एक काउंसलर। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि एक काउंसलर के अंदर बहुत सारे काउंसलिंग स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इन स्किल्स के कोई भी अच्छी तरह से परामर्शन किसी को नहीं दे सकता, परामर्श नहीं दे सकता है, और जो उसके कड़वे अनुभव हैं क्लाइंट के, उसे वो दूर भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कुछ हद तक कम करे, लेकिन बहुत हद तक नहीं हो पाता। और काउंसलिंग में होता क्या है कि काउंसलिंग कराने का मकसद पीड़ित व्यक्तियों में सिर्फ यही होता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में अब सही ढंग से सोच सके, अपने बारे में अच्छा अनुभव कर सके, अपने अंदर शांति महसूस कर सके, अपने आप को सफल देख सके, अपने आप को समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ देख सके, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में वो तनाव से मुक्त रहे, उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सके, वो एक स्वस्थ रिलेशनशिप हर एक व्यक्ति के साथ जो समाज में रहता है उसके साथ वो डेवलप कर सके, अपने सोच और अपने विचार, अपने भावनाओं को वो सही रूप से देख सके। साथ ही साथ क्या है, अपने कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो काफी नजदीकी रिश्ते होते हैं, उसमें वो एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, दोस्तों के साथ या परिवार में एक सुरक्षित रिश्ता वो डेवलप कर सके। साथ ही उसके बोलने में या उसके किसी काम के करने से किसी को पहले अगर दुख पहुंचता था या खुद उसे ही दुख पहुंचता था, तो वो बातें भी उसके जीवन से चली गई है। अब क्या है कि उसे परेशानियां पहाड़ नहीं लगती हैं, उसे लगता है कि परेशानियों का वो डटकर खुद से सामना कर सकता है, और उसे ये भी लगता है कि अब वो अपने कार्य क्षेत्र में और अच्छी रीति से काम कर सकता है, अब वो रिश्तों के साथ बहुत अच्छी रीति से अपने कामों को, अपने बातों को एडजस्ट कर सकता है। तो काउंसलिंग यही है कि जीवन के प्रति एक अच्छे स्वस्थ नजरिए को पीड़ित व्यक्ति के अंदर वो डेवलप करता है। तो मेरे ख्याल से कि आप सभी को बहुत अच्छी रीति से क्लियर हो चुका होगा कि अटेंडिंग क्या है, लिसनिंग क्या है, एम्पैथी क्या है और रिस्पेक्ट क्या है। धन्यवाद रेडियो खांची।